मन बोल रहा है, बोलेगा जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, छुट्टी करे वो सब्जी लेवे जाते हैं, जल्दी जा रहा है। फिर जाते बोल रहा है, वही बोले हाँ हाँ जय माता की, वो भी चल दिए। जय माता की कहने में दिव्य आत्माएं माँ का ध्यान आना चाहिए। जय में जब हाथ जोड़ा जाता है जिसके सामने, उसके में भी उसके हृदय में माँ का रूप देखना चाहिए। दोनों हाथ ऐसे जोड़ करके ऐसे प्रणाम करना चाहिए तो जय माता का फल मिलता है। देखिए सदगुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है ना, ये सदगुरु का ज्ञान जो दिया जाता है इसमें एक भाव है। कहा जाता है धरती पर एक बार बहुत बड़ा दानव पैदा हुआ, बहुत बड़ा आतंकवादी पैदा हुआ, इतना बड़ा आतंकवादी पैदा हुआ उसके नाम पर इतना मोटा बन गया ग्रंथ। वह था और कोई नहीं, लंकापति रावण, रावण था। और कहने को सुनने को मिलता है कि वह इतना बड़ा आतंकवादी था कि जब लोग देवता लोग त्रसित हो गए तो उसके लिए सोचे भी लड़ाई हो गई। कोई बोले कि क्षीर सागर चलिए, कोई बोला नहीं ब्रह्मलोक चलिए। भगवान शंकर जी थे, अवसर पाए तब कह, अवसर पा करके भगवान बोल रहे हैं, अवसर पाए वैसे नहीं बोले। अच्छा देखते वैसे तो कितना लोग बिना कहे राय देते हैं ना, सुनने वाले कम होते हैं और कहने वाले अधिक होते हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं हुआ, एक बार हमारे आश्रम की बात है, हमारे हम लोग जाते हैं अपना दुख कहने ना, तो एक दिन में परीक्षा लिया ठीक है कि देखिए हमारे यहाँ आने वालों का क्या भाव क्या प्रेम है और किस तरह से आता। अब हम एक गिलास पानी कुर्सी पर बैठ गए और झूठे ही 10-20 लोग रहे मेरे ऐसे पेट पकड़े, आ बहुत तेज दर्द हो रहा है, ठीक है दर्द हो रहा है। तब तक एक आदमी बोला गुरु जी दर्द हो रहा है ना, ऐसे नहीं एक काम करिए ना, एक हम दवा लिख दे रहे हैं खा लीजिए, ठीक है। तो दूसरा बोला वो दवा से काम नहीं होने वाला है, एक सूखा बहुत जानकार है, सूखा जानकार है, चलिए उसे घर ले चलते हैं, ठीक है। एक देवी जी बोले कि नहीं गुरु जी हई नहीं खा ली है, दवाई हम खेली है तो हमारा पेट दर्द ठीक है, हम शांत हैं, ठीक है हम चुप हो गए, सबकी बात सुन रहे हैं। अच्छा उसके बाद एक बोला ठुकवादी आप ठीक हो जाओ, ठीक है। यानी 15-20 लोग थे, आ एक के बाद 20 लोग 20 रास्ता बता दिए, 20 रास्ता बता दिए। दिव्य आत्मा आदमी सलाह देने के लिए सब लोग आ गए, सुनने के लिए नहीं, केवल सलाह देने के लिए, कह दीजिए ना इतने लोग खड़ा हो जाएंगे, नहीं जो ज्ञानी रहता है बोलता नहीं, सबका जब सुन लिए तो हमने कह रहा है देख पेटवा हमारा ठीक हो गया। भाई कैसे ठीक हो गया, हमने कहा तुम्हारे महाराज जी वहां सब फूक दिए तो ठीक हो गया, उनसे बोले तुम्हारा सुखवा देखा तो ठीक हो गया, वो कहे तुम जो दवा दे रहा था, हमने कहा देवी जी आप दवा दी ठीक हो गए, कहे तो ये तुम्हारे पास से है, कह रहा नहीं दी। बस यही हमको जानना था कि सच में हमारे पास जो आते हैं वही डॉक्टर वैद्य लोग आ रहे हैं, कोई आयरू गैरू नहीं आ रहे। दिव्यात्माए अवसर पाइए तब मन कछ कहो, बोले मैं अवसर पाया तब कहा, क्या कहा ध्यान दीजिए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होई मैं जाना। तब भगवान बोले अरे भगवान वह सब जगह है केवल प्रेम से प्रकट होते। अच्छा बोलो सब में भगवान है, सब में भगवान है, सब में भगवान है। एक बार आप लोगों का आशीर्वाद हमको लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा देखिए लेवे खातिर आज बड़ी है। एक बार हमारे गुरुजी थे, गुरुजी हमको हम लोग कहीं कि जाओ और रिक्शा चालक का आशीर्वाद लेकर आओ, क्या रिक्शा चालक का, जैसे सर्वात्मानंद जी और चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हम लोगों का आशीर्वाद नहीं लगेगा, तो हम भी सोचिए अभी रिक्शा चालक हमको आशीर्वाद देगा और रिक्शा चलाने वाला हमको देगा,
रिक्शा चलने देगा, चले गए। सोचते विचारते चले गए और धर्मतल्ला में एक जगह है, वहां जाकर हम लोग बैठ गए। तो वहां एक रिक्शा होता है जो ऐसे हाथ में सब पकड़ ले बजाते रहे, पता नहीं आप लोग देखे नहीं देखे, गए गए आप ही गए, अच्छा आप तो वही रहते थे कलकत्ता गए, तो ऐसे नहीं कर दौड़ेंगे जहां जाना होगा, तो पैर से नहीं चलता है। मैं ऑटो की नहीं बात कर रहा, वो रिक्शा ऐसा है। हाँ, आज भी कहा जाता है कि पूरे भारत से चला जाए तो ब्रिटिश शासन चला गया लेकिन एक अपना चीज वहां छोड़ गया। यह ब्रिटिश के समय था कि भारत के लोग हमको इस तरह से खींचे, उस जमाने से चला आ रहा है। तो वह पता की तो 3 दिन से बेचारा कुछ सवारी नहीं पाया था। तो हम लोग कहे कि अच्छा चल इसी को करते हैं। उस समय सस्ती का समय था, एक गंतव्य स्थान चुना गया जहां जाना था, 20 रुपया 10 रुपया उस दिन उस समय लगता था भाड़ा। तो ये वो कि चलो बैठते हैं, 3 रिक्शा बुलाया गया, बैठा गया और जहां गया जाया गया उसको 30-30 रुपया दिया है। कितना वो तो भौचक्का हो गया। और भौचक्का जब हो गया तो पुरंदर जी महाराज से कहा, हृदय से आशीर्वाद है हमारा बाबू जहां बिहारी था जहां रहे फूले खाने। एक हमको उतारा हम जब उसको भी दिए तो कहा धन्य है महाराज, धन्य है बाबू, आपको भगवान बढ़ती करें। तीसरा उतारा प्रजापति स्वामी जी को, तो वो उतारा तो वो भी आशीर्वाद दिया, कहा कि हमारी उम्र आपको लग जाए। 3 आशीर्वाद दिए। हम तीनों लोग बोले कि हाँ तुम लोग इतना बड़ा तपस्वी हो गए जो हमके आशीर्वाद देता, जैसे सर्वात्मानंद जी और चेयरमैन साहब कहते। लेकिन जब हम लोग सदगुरु के यहाँ गए तो उस दिन वही क्लास चला। क्लास में बताया गया कि देखो एक दुखिया आदमी के पास भगवान इसीलिए रहते हैं कि वह दुख में उनका याद करता है और उनके सन्निकट रहता है, इसीलिए वह जो दिन से यदि आह लगता है, अच्छा आह लगता है कि नहीं लगता है, लगता है, है? लगता किसी को सताया जाए तो आह लगता है कि नहीं, तो यदि आह लगता है तो उसका दुआ लगेगा कि नहीं, उसको वो सुख दिया जाए तो दुआ लगेगा कि नहीं, लगेगा ना। तो इसलिए अब समझिए कि यदि आप भी दुआ देंगे तो हमको लगेगा, आह करेंगे तो भी लगेगा। ठीक भावना यह है कि यदि आपके सामने कोई मिल जाता है आचार्य चाहे मातेश्वरी परिवार, तो भाव सहित हाथ जोड़ करके यदि भावना रखते हैं कि उनके हृदय में माँ ही है और बोलते हैं जय माता की, तब वो माँ हृदय से निकलकर वह जय माता की करेंगी तो वह प्रार्थना आपका स्वीकार होगी।